अजमेर में भाजपा द्वारा जगह जगह जनाक्रोश रैली का आयोजन किया जा रहा है। आज अजमेर के दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में दक्षिण विधायक अनीता भदेल के नेतृत्व में वार्ड 42, 50, 57, 58, 59 में जनाक्रोश रैली का आयोजन किया। विधायक अनीता भदेल ने बताया कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और राजस्थान में उनके भ्रष्ट मंत्री दुराचार के आरोप में फंसे हैं। वार्ड की विभिन्न समस्याओं में विधवा पेंशन, पालनहार योजना एवं खाद्य सुरक्षा में पात्र व्यक्तियों का नाम नहीं होने के कारण जनाक्रोश रैली का आयोजन किया गया। रैली क्या है? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के अंदर जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है। ये 4 साल की भ्रष्ट कांग्रेस सरकार के खिलाफ जन आक्रोश यात्रा है, जिसके कांग्रेस के भ्रष्टाचार, अत्याचार, महिलाओं में बढ़ते हुए केसों को देखते हुए आम पब्लिक के बीच में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं। आम जनता की सहभागिता इस जन आक्रोश यात्रा में बनी हुई है। सभी आम जनता का सरकार के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा आक्रोश है। कई शिकायत पत्र भी हमें मिले हैं और आज वार्ड 57, 58, 59 के अंदर ये यात्रा निकली है। इसके बाद 42, 50 के अंदर का समापन होगा। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता आम जनता के बीच में जाके सरकार के काले चिट्ठों का उल्लेख कर रहे हैं। मैं हेमंत साकला, जलकारी भाई मंडल अध्यक्ष।